guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रपुरम पेट्रोल पंप के ओनर, जानते हैं उनकी राय। सर, अभी पेट्रोल डीजल लगातार दूसरे दिन बढ़ा है, उसके साथ साथ में 90 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है सीएनजी में, इससे कितना फर्क पड़ेगा आम इंसान की? आम इंसान वैसे ही थोड़ा परेशान है लॉकडाउन वगैरह को लेकर, और डेली बेसिस पे जिस हिसाब से रेट पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे हैं, अब सीएनजी के भी बढ़े हैं, तो एक नॉर्मल कस्टमर के, मिडिल क्लास कस्टमर के जहन में एक थोड़ी सी झुंझलाहट है, जो कि हमारे यहाँ जब आता है तेल लेने वो निकलती है उसकी किसी ना किसी प्रकार से, और वो परेशान दिखाई देता है। जैसे कि उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है लेकिन उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल लगभग 100 रुपये के करीब पहुँच गया है, तो उससे फ़र्क तो पड़ता ही है। एक समय था जब 100 रुपये में एक नॉर्मल बाइक में 1.5 लीटर पेट्रोल आ जाया करता था, अब जो है 100 रुपये में लिहाजा 1 लीटर के आसपास तेल आता है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इससे बिल्कुल है, आदमी अधिकतर लीटर के हिसाब से नहीं, रुपयों के हिसाब से तेल डलवाता है, 100 रुपये का, 150 का, 200 का। जो पहले उसका 100 रुपये में 50 किलोमीटर बाइक चलती थी, अब 100 रुपये में 30 किलोमीटर चल रही है, तो वो दोबारा आता है हमारे पास कि भाई तेल कम कैसे आया, उसको फिर समझाते हैं हम कि भाई ये 100 पहले इतना रेट था, अब इतना लीटर आया आपका, तो वो डिफरेंस समझाना हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट है रेट बढ़ते हुए, और कस्टमर का भी समझना दिक्कत होती है। सर, एक आम इंसान की ज़िंदगी में पेट्रोल डीजल और सीएनजी का तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, लेकिन आप पेट्रोल पंप के ओनर हैं, आप पे क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं, हम पे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, जो कि पहले हम 100 रुपये में 1.5 लीटर बेचते थे, अब 100 रुपये में 1 लीटर बेचते हैं, हमारा मार्जिन तो लीटर के हिसाब से मिलता है, हमें परसेंटेज लीटर पे मिलती है, तो हमारी सेल भी डाउन होती है उस हिसाब से। जो कस्टमर पहले 500 का तेल लेता था, उसमें 8 लीटर तेल आया, और अब 500 रुपये में 5 लीटर तेल आया, तो हमारी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई और प्रॉफिट कम हो गया, मतलब घाटा आपको भी है। बिल्कुल। तो ये थी एक पेट्रोल पंप के ओनर की राय। तो आम इंसान के साथ साथ अगर पेट्रोल डीजल और सीएनजी के रेट बढ़ते हैं तो उस पर ओनर की जेब पर भी फर्क पड़ता है, उनके ऊपर भी फर्क पड़ता है। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं आदित्य शर्मा, देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। हाय, आई एम मैरी कॉम, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया।